Hello to our loving children of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My loving children, all of you know, now it's time for our studies. So get ready with your books. Our today's schedule, class 2nd, subject English, lesson 4, The Hare and the Tortoise, question answer and exercise. To cheer. Sabhi ne unko kya kiya tha? Yay, cheer, hooray.
लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट में टाइम, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू रीड करिए सभी। द रेस कोर्स वॉज अ डैश पार्क। जो रेस का जो रास्ता था उसका पार्क कैसा था? यस, टर्न्स एंड बैंड्स थे उसमें, बहुत सारे मोड़ थे उसमें। तो टर्न एंड बैंड्स को हमने क्या नाम दिया है? यस, क्या नाम है टर्न एंड बैंड्स का? दैट इज वाइंडिंग, डब्ल्यू आई एन डी आई एन जी। तो क्वेश्चन सेंटेंस टू में लिख दीजिए वाइंडिंग, ओके। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर थ्री, रीड आउट द क्वेश्चन नंबर थ्री। यस, द डैश वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड। द डैश वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड, कौन बहुत दूर रह गया था? जल्दी बताइए कौन बहुत दूर रह गया था। यस, वेरी गुड, टॉर्टोइज बहुत दूर रह गया था। तो उसमें लिख दीजिए द टॉर्टोइज वॉज लेफ्ट फार बिहाइंड, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेंटेंस फोर रीड करिए सभी, जल्दी से रीड करिए। The tortoise continued walking dash. The tortoise continued walking dash. जो tortoise था उसने धीरे धीरे continue करना start किया था अपनी walk को। कैसे कर रहा था? Slowly. कैसे कर रहा था? Slowly. Okay. तो यहाँ पर क्या आएगा? Slowly. S L O W L Y. Okay. चलिए fifth read करिए अब। All the animals begin to dash. सारे एनिमल्स ने टॉर्टोइस के लिए क्या किया था? यस, चीयर। तो लिख दीजिए सी एच डबल ई आर, क्या आएगा? सी एच डबल ई आर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पे चले चले, ओके। रीड करें क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें क्या करना है? इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। तो हमने स्टोरी में भी पढ़ा था सारे वर्ड्स के मीनिंग, तो अभी भी हम वही करेंगे, सारे वर्ड्स के मीनिंग पढ़िए, ठीक है? तो अब हम लिखेंगे उसको। फर्स्ट इज क्विकली, क्या है? क्विकली दैट मीन्स वेरी फास्ट, मीन्स बहुत तेज। क्या है? वेरी फास्ट, बहुत तेज, ठीक है? लिखिए वेरी फास्ट। क्विकली का क्या होगा? वेरी फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए अब। नैप, क्या है? नैप, एन ए पी नैप। नैप मीन्स क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना, ठीक है। तो नैप का लिख दीजिए स्लीप, एस एल डबल ई पी, स्लीप, ओके। नाउ मूव टू द थर्ड, हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है? यस, खरगोश। That is wild rabbit. क्या है? Wild rabbit. Okay. Fourth देखिए, continued. Continued का मतलब क्या होता है? Continued मतलब होता है लगातार बिना रुके, ठीक है? क्या होता है? लगातार बिना रुके। तो यहाँ पे आपको लिखना है did not stop, मतलब बिना रुके, रुकना नहीं है। Continue means लगातार हमें वो वर्क करना है। Understand? समझ में आया? वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टी करें। चलिए ये तो मैच द फॉलोइंग है, और आपको मैच द फॉलोइंग तो बहुत अच्छी लगती है, लगती है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर टी देखिए अब। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट इज रन। तो मुझे बताइए रन का क्या होगा? उन्होंने क्या दौड़ा था? यस, रन अ रेस। तो यहाँ लिख दीजिए सी, रन अ रेस का क्या आएगा? सी, ओके। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग उन्होंने क्या बनाया था? स्टार्टिंग लाइन, वेरी गुड। सी में सेकंड में लिख दीजिए ई, ओके। नाउ थर्ड इज वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या थे? टर्न एंड बेंड्स किस में थे? यस, पाथ में। तो यहाँ लिख दीजिए ए, ओके। नाउ फोर्थ इज शॉर्ट, क्या है? शॉर्ट। तो यहाँ पे शॉर्ट क्या था? नैप, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट नैप ली थी, उसने थोड़ी देर के लिए सोया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी, ओके। नाउ फिफ्थ इज
वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई पे पढ़ते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ओके, क्वेश्चन नंबर ई क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको ये वर्ड्स को कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट वाले में लिखिए स्टार्टिंग। क्या है? स्टार्टिंग मीन्स शुरू करना। ठीक है, तो स्टार्टिंग मीन्स में लिखिए एस टी ए आर टी आई एन जी। क्या लिखिए? एस टी ए आर टी आई एन जी। वेरी गुड। चलिए टू क्या है बताइए? टू किसी को पता चला टू क्या है? टू है बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड। लिखिए बी ई एच आई एन डी बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे। क्या है? पीछे। ओके, नाउ थर्ड इज यस टॉर्टॉइस। क्या है? टॉर्टॉइस टी ओ आर टी ओ आई एस ई। टॉर्टॉइस मीन्स यस कछुआ। चलिए फोर्थ लिखिए असली ए एस एल डबल ई पी असली। असली मीन्स सो जाना। ठीक है, वॉकिंग। फिफ्थ इज वॉकिंग डब्ल्यू ए एल के आई एन जी। वॉकिंग मीन्स चलना। वेरी गुड। सिक्स बताइए आप जल्दी से मुझे। कौन बताएगा सिक्स? यस यस वेरी गुड। स्लोली देखिए एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई स्लोली। क्या आएगा? स्लोली। ओके, नाउ सेवेंथ इज एनिमल। व्हाट इज सेवेंथ? एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स जानवर। वेरी गुड। नाउ एट इज गैदर्ड। व्हाट इज इट? गैदर्ड जी ए टी एच ई आर ई डी गैदर्ड। गैदर्ड मीन्स क्या होता है? इकट्ठा होना। क्या होता है? इकट्ठा होना। ओके, टुगेदर। ओके, नाउ नाइन्थ इज वाइंडिंग। व्हाट इज नाइन्थ? वाइंडिंग डब्ल्यू आई एन डी आई एन जी। व्हाट इज वाइंडिंग? वाइंडिंग मीन्स टर्न्स और बैंड्स, दैट इज मोड। व्हाट इज वाइंडिंग? यस टर्न एंड टर्न और बैंड्स। ओके, नाउ टेंथ। व्हाट इज टेंथ? व्हाट इज टेंथ? यस क्विकली क्यू यू आई सी के एल वाई। क्या है? क्यू यू आई सी के एल वाई क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी, वेरी फास्ट। वेरी गुड। नाउ इलेवेंथ देखिए स्टॉप। क्या है? स्टॉप एस टी ओ डबल पी ई टी। व्हाट इज स्टॉप? मीन्स रुक जाना। मीन क्या है स्टॉप? रुक जाना। ओके, चलिए नाउ ट्वेल्थ। ट्वेल्थ इज आर ई ए सी एच ई डी रीच। आर ई ए सी एच ई डी रीच। रीच मीन्स पहुंचना। ओके, पहुंचना। क्या होता है रीच? पहुंचना। सबको समझ में आ गए? क्वेश्चन नंबर ई समझ आया सबको? वेरी गुड। चलिए अब जल्दी से ये सारा वर्क कंप्लीट कर लेना अपनी बुक में। ओके, विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके, कोई भी गंदा वर्क नहीं करेगा, सब अच्छा अच्छा वर्क करेंगे। वेरी गुड, चाहिए ना सभी को? यस, तो सभी बच्चे अच्छा अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके, चलिए गुड बाय। माय डियर चिल्ड्रन, होप यू एंजॉयड द क्लास। And now it's time for your homework. My dear children, complete video class work in your English book and notebook in very proper handwriting. Okay, my dear students, bye-bye, take care. See you in the next class with some interesting topic. Stay at home, stay safe. God bless you.